नमस्कार मित्रों, मैं वैद अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत से मेरे भाइयों को आजकल दांत चिपचिपे पानी या पेशाब में जलन या गर्मी की समस्या हो रही है, जो किसी भी लड़की से बात करने पर ही लिंग से चिपचिपा पानी निकलने लगता है। वीर्य पेशाब में मिलकर दांत के रूप में निकल रहा है, जिसकी वजह से शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है। और जिन भाइयों को चिपचिपे पानी की समस्या होती है, उनके लिंग में ठीक से तनाव भी नहीं आ पाता है। जैसे ही तनाव आता है, चिपचिपा पानी निकलने लगता है, तो फिर से लिंग ढीला पड़ जाता है। और ना ही ऐसे भाई सेक्स के समय कुछ ही देर वीर्य को रोक पाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपने भाइयों के लिए ये मैंने दवा तैयार की है। दोस्तों, इसे 7 दिन इस्तेमाल करने से ही धात या चिपचिपे पानी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है, पेशाब में जलन खत्म हो जाती है और पेशाब का रंग बिल्कुल साफ हो जाता है। वीर्य बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और बहुत ही गाढ़ा होता है। दोस्तों, कुछ ही दिन इस्तेमाल से ये पानी जैसे वीर्य को भी शहद की तरह गाढ़ा कर देती है और कमजोरी को जड़ से खत्म कर देती है। तो अगर कोई भी मेरा भाई इस समस्या से परेशान है, तो वो एक बार हमारा बताया गया ये नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस नुस्खे में लगभग 15 से 20 तरह की जड़ी बूटियां डाली जाती हैं और लगभग 4 से 5 तरह की भस्में डाली जाती हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे रहा हूं। आप वहां से नुस्खा देख लें और वहां से बना करके आप इस्तेमाल करें। और दोस्तों, कुछ ही दिन में आप देखोगे आपके दांत चिपचिपा पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी, कमजोरी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका वीर्य भी शहद की तरह गाढ़ा हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में से आप पूरा नुस्खा नोट करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने का और बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपने जो भी जड़ी बूटियां हैं, आपने सभी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह सुखा करके उनका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है, और जितनी भी भस्में हैं वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है और अच्छी तरह से मिला लेना है। और मिलाने के बाद दोस्तों आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आप इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। खाली पेट ले सकते हैं तो आप सुबह नाश्ते से लगभग आधा घंटा पहले ही से लें, और आप नाश्ते के बाद लेते हैं तो नाश्ते के लगभग 1 घंटा बाद ही से लें। आप इसे लगभग 4 से 5 ग्राम इस्तेमाल करें पानी या दूध के साथ 2 टाइम सुबह शाम। और जो भी मेरा भाई परेशान है इस समस्या से, तो वो एक बार जरूर इसे इस्तेमाल करे और आपको 100% फायदा होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।